पेज नंबर 99, पाठ अनुपात और समानुपात, एमसीक्यू 12 का 5 नंबर। 2a बराबर 3b बराबर 4c होने से एज टू बी इज टू सी होने से एज टू बी इज टू सी का मान क्या होगा? 3:4:6, 4:3:6, 3:4:4 और 4:6:4:3 होगा। तो देख रहे हैं आपका 6:4:3 होगा। देखते हैं कैसे होगा, उत्तर देखते हैं, मान निकालते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4ca बराबर k मानना, k मानते ही a का मान कितना हो रहा भैया? देखिए 4c बराबर k है तो c बराबर क्या होगा? k बटा 4 हो जाएगा। उसी तरह 2a बराबर k है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो 2a बराबर के, ए बराबर के बट्टा 2, के नीचे 2 आ जाएगा। उसी तरह बी बराबर के बट्टा 3, सी बराबर के बट्टा 4, तो ए बी सी का मान यह है। अब हम मान पूछा आपका एज टू बी टू सी, तो एज टू बीस टू सी बराबर ए का मान कितना है? के बट्टा 2, बी के मान ए बट्टा 3, सी के मान ए बट्टा 4। क्योंकि के सब एक कट जाएगा, पर 2 ऐसा हम सुने हैं कि 2 रहने से काटा जाता है, 2 से ज़्यादा रहे तो मन ही मन काटते हैं, काट कर दिखाते नहीं हैं। वैसे तो है के कट गया भैया, एक एक है तो नीचे 2, 3, 4 है, तो 2, 3, 4 को हम हटाते हैं, ऊपर बदल देंगे। इसके लिए हम कितना से गुना करें कि ये बट्टा बदल जाए, तो लसपा 2, 3, 4 का लसपा ऐसा संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और छोटी हो, तो जिसके लिए आप मौखिक कर सकते हैं 2, 3, 4 सबसे पहले लीजिए। 4 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 2 8 अब नहीं कटेगा, 4 3 12 अब कट जाएगा, 12 ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं लसपा। 12 2 से 3 से 4 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 6 12, 1 की जगह कितना हो जाएगा? 2 6 12, 6 ये तो पहले ही कट गया है, 3 4 12, 4 3 12, एज टू बीज टू सी बराबर कितना हो गया? 6 4 3, ये आपका उत्तर हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं 6:4:2 आ गया भैया, हाँ 6:4:3। इसी के साथ पूरा हुआ आपका अनुपात समानुपात पेज नंबर 99 का 12। धन्यवाद।